स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल हेलो एवरीवन वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी आईक्यू मेरा नाम नानकी भवेजा है स्टूडेंट्स कल हम बात कर रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंडर हम बात कर रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की इनडायरेक्ट टैक्स में हमने लास्ट कहाँ पे छोड़ा था हमने बात करी थी जी की और मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में हम जी से ही कंटिन्यू करेंगे एज टू वाट जी इज़ ऑल अबाउट और जी का जो सबसे मेजर बेनिफिट होता है कास्केडिंग इफेक्ट उसका क्या मतलब होता है और वो कैसे वर्क करता है उसको आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे तो फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग सेशन फॉर फर्स्ट टाइम मैं आपको बता दूं हम इकोनॉमी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर कर रहे हैं अगर आप मुझसे पूछे एक रेफरेंस किताब की मैम हम किस बुक को रेफर करें बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम नितिन सिंघानिया लें कि रमेश सिंह लें फॉर मी द रेफरेंस बुक इज दिस पर्टिकुलर बुक जिसकी फोटो यहाँ पे है अक्सर चार्ट में आप बार बार मुझसे पूछते रहते हैं मैम बुक का नाम बता दीजिए बुक का नाम बता दीजिए बुक का नाम है इंडियन इकोनमी फॉर यू पी एस सी सी एस सी एंड जो पब्लिशर्स हैं दैट इज स्टडी आई क्यू पब्लिकेशन आपको बुक अमेजोन और फ्लिपकार्टे ई अवेलेबल हो जाएगी घर बैठे किताब आपके पास डिलीवर हो जाएगी सो द बुक्स नेम अगेन एस एज इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी सी एस सी एंड पी एस सी एग्जाम्स चलिए नाउ हमने कहा पे बात छोड़ी थी अपनी कल हम बात कर रहे थे इनडायरेक्ट टैक्सेस की ठीक है इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने देख लिए थे कि क्या फायदा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का और इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्चुअली होते क्या है इंसिडेंस प्लस इंपैक्ट हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसी तरीके से तो समझा था कि भाई डायरेक्ट टैक्स में इंसीडेंस प्लस इंपैक्ट आपके ऊपर ही पड़ता है Whereas in इन इनडायरेक्ट टैक्सेस द इंसीडेंट एंड इम्पैक्ट इज ऑन टू इंडिविजुअल्स और टू डिफरेंट एनडिटीज़ ये बात करी थी फिर हम टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस देख रहे थे और उसमें हमने लास्ट देखा था गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक है आज हम बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब आया था ये सब आप जानते हैं एक क्वेश्चन मुझे पता है आप सबको ये पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था आपको मुझे चैट बॉक्स में बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था खैर मुद्दे की बात मेरे लिए ये जानना नहीं है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था मुझे आप सबसे ये पूछना है आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक एज टू वाई और वॉट वॉज नीड टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या जरूरत पड़ गई थी कि हमें संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ा ठीक है सो so, आपका जब तक चार्ट बॉक्स में रिप्लाई आता तब तक थोड़ा सा हम इसके देख लेते हैं जीएसटी के बारे में अगर आंसर सही नहीं आता तो डेफिनेटली आई एल बी डिस्कसिंग कि भाई क्या रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा सो so, सबसे पहले जीएसटी एस वॉज लॉन्च्ड विद व्यू ऑफ वन नेशन वन टैक्स क्योंकि जीएसटी से पहले आप देख सकते हो कितने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के क्या थे इनडायरेक्ट uh, टैक्सेस जैसे कि एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी सेफ ड्यूटी काउंटरवेलिंग ड्यूटी अलग अलग ऑक्ट्रॉय लगता था ऑक्ट्रॉय लगता था ठीक है ना ये सारी चीज़ों को सब्स्यूम करने के लिए क्या लेके आया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स की भाई अगर एक नेशन है तो एक ही टैक्स सिस्टम होना चाहिए पूरे कंट्री में इट इज़ अ सिंगल टैक्स लिवाइड ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर दी जीएसटी क्या था सर्विस टैक्स अलग था और गुड्स पे लगता था वैल्यू एडेड टैक्स ठीक है ना पोस्ट दी इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी क्या हुआ ये दोनों चीज़ें सब्स्यूम हो गई किसमें में सब्स्यूम हो गई जीएसटी uh, में एंड अब सिर्फ एक टैक्स लगता है दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर क्यों क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग पहले होती थी तो लगती थी एक्साइज ड्यूटी बट अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती एक्साइज ड्यूटी को चेंज कर दिया गया है सी एस टी से अब अगर कोई फर्म इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है दे डू नॉट हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी व्हाट दे हैव टू पे इज दी सीजीएसटी इट इज़ दी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि कहीं पे साइकिल्स मान लीजिए महाराष्ट्र में साइकिल्स बनी महाराष्ट्र में साइकिल्स बनी ठीक है और इस साइकिल मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई की साइकिल्स गुजरात में ठीक है ये जो साइकिल्स बेची महाराष्ट्र का जो बंदा था जो पर्सन था जो फैक्ट्री थी जो बनाती थी साइकिल उन्होंने साइकिल्स बना के सेल करी कहां पे गुजरात के एक डीलर को ठीक है अब इस ट्रांजैक्शन पे डेफिनेटली जीएसटी लगाओगा ठीक है अब जीएसटी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को जाएगा कि गुजरात की गवर्नमेंट को जाएगा तो आंसर लाइज हेयर यहाँ लिखा है भाई इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो डेस्टिनेशन जो फाइनल मंजिल है गुड की जो फाइनल मंजिल है गुड की उसी गवर्नमेंट को क्या मिलेगा टैक्स तो अगर गुजरात में साइकिल्स कंज्यूम हो रही हैं गुजरात में साइकिल कंज्यूम हो रही है या मंगवाई जा रही है तो कहां डेस्टिनेशन हो गई गुजरात हो गई तो जो टैक्स है जो टैक्स है वो गुजरात की गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे अब मान लीजिए मान लीजिए गुजरात में आ गई हैं साइकिल्स अब गुजरात में ही मान लीजिए ये आई थी गांधीनगर में ठीक है अब साइकिल्स बेची जा रही है बड़ौदा में ये तो इं, इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट में सेल हो रही है मैं उस टाइम क्या हो रहा था यहाँ पे इंटर स्टेट सेल हो रही थी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे थे ठीक है ना तो जब इंटर स्टेट सेल होती है तो डेस्टिनेशन मतलब डेस्टिनेशन पर डिफाइन होगा कि भैया कहाँ उसकी डेस्टिनेशन है वही वाली गवर्नमेंट उसका टैक्स रख लेगी अब इंट्रा स्टेट मतलब गुजरात का गुजरात में ही सामान बिक रहा है ठीक है ना गांधीनगर में साइकिल्स मंगवाई गई थी अब गांधीनगर से सेल हो रही है बड़ौदा में तो कहाँ ऑब्वियसली भाई डेस्टिनेशन गुजरात ही है तो गुजरात गवर्नमेंट के पास ही टैक्स कलेक्ट होगा ठीक है, टैक्स किस चीज पर टैक्स लगता है पे 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 लगता 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 है, sales लगता है, services लगता है, बात है, बात हमें कोई मतलब नहीं है है, 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 कि है, कि कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि वैल्यू एडिशन हो रहा है इट इज अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन मेड ऑन ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन चाहे आप सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो या आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो अगर आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एड कर रहे हो तो फटाफट गवर्नमेंट आपके पास मांगने आ जाएगी क्या आ जाएगी जीएसटी मांगने आ जाएगी ठीक है अच्छा हम बात कर रहे थे मैंने आपसे पूछा था कि वाई 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 अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ गई थी तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा होगा कि कल ही हमने बात करी थी कि टैक्सेशन की पावर स्टेट और सेंटर दोनों के पास है ठीक है बिफोर जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास सर्विस टैक्स कलेक्ट करने की पावर नहीं थी ठीक है और सेंटर के पास सेंटर के पास पावर नहीं थी टू कलेक्ट द टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स वैट भाई गुड्स की सेल पे क्या लगता था वैट उसकी पावर स्टेट के सेंटर के पास नहीं थी और सर्विसेज को चार्ज करने की पावर स्टेट के पास नहीं थी अब क्या हो रहा था जीएसटी आने से पावर्स भी अमेंड हो रही थी हम सिर्फ एक नया टैक्स सिस्टम नहीं लॉन्च कर रहे थे हम ऑल टुगेदर क्या कर रहे थे हम पावर्स टू लिवाई टैक्स अमेंड कर रहे थे स्टेट एंड सेंटर की एंड दैट इज़ वाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज नीडेड वाई बिकॉज वी वर ऑल्टरिंग द पावर ऑफ सेंटर एंड दिन दी मैनर इन विच दे लिवाइड टैक्सेस तो चीज चीजों को थोड़ा सा सोच के समझ के थोड़ा सा डीप डिग अपने से आपसे क्वेश्चन पूछा करो तो अपने आप क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आएगा अभी तक आप लोगों ने क्या किया हुआ था रट्टा मारा हुआ था भैया जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चलो आगे क्यों भाई क्यों लाना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा क्या हो गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ा है टैक्सेस तो और भी आते हैं ठीक है ना तो फाइनेंस बिल में चेंज कर दो ना कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अमेंड कर रहे हो ठीक है चलिए तो हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली है हमने अपने ज्ञान के चक्षु खोल दिए अब टाइप्स ऑफ जीएसटी तो जीएसटी को ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है एक होता है सी जी जिसको सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं दूसरा होगा स्टेट जीएसटी विच इज़ एस जी एस टी इन द लास्ट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी दैट इज आई जी एस टी तो जब इंट्रा स्टेट सेल्स होती है जब इंट्रा मतलब एक ही स्टेट में सेल हो रही है गुजरात में साइकिल बनी और गुजरात में ही बिक रही है तब क्या लगा लिवाई होगा एक तो सी जी एस टी लिवाई होगा और एक स्टेट जी एस टी ठीक है ना साइकिल है सौ रुपए की उसके ऊपर दस परसेंट से मान लीजिए सी जी एस टी लगेगा और लगेगा दस परसेंट से एस जी एस टी ठीक है तो जो पोर्शन इसका सौ रुपए का दस रुपए गया स्टेट गवर्नमेंट के पास और दस रुपए गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आई जी एस टी कब लगता है आई जी एस टी लगता है जब इंटर स्टेट सेल्स हो रही है इंटर स्टेट सेल्स मतलब गुजरात में साइकिल बनी अब वो जा रही है राजस्थान में बिकने के लिए तो इस ट्रांजेक्शन पे इस ट्रांजेक्शन पे लगेगा आई जी एस टी आई होप आई एम क्लियर आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू अब एक्चुअली क्या है देखते हैं एक मिनट एक मिनट जस्ट बुक उठाने दीजिए बुक में आपको मिलेंगे कि भाई क्या बेनिफिट्स रहे हैं क्या बेनिफिट्स रहे हैं जीएसटी लॉन्च करने के एज वेल एज व्हाट आर दी चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो वो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ आपके पास आपके साथ आपके साथ दो ही पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जी एस टी विच इज कास्केडिंग इफेक्ट और कास्केडिंग इफेक्ट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है समझने की मैम कास्ट केडिंग इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है तो स्टूडेंट्स कास्केडिंग इफेक्ट इन सिंपल टर्म्स मीन्स टैक्स ऑन टैक्स मतलब ऑलरेडी टैक्स लग चुका है फिर उसके ऊपर आप फिर से टैक्स लगा दे रहे हैं उसको कहते हैं कास्ट इफेक्ट और जीएसटी इंट्रोडक्शन का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि गवर्नमेंट को ये टैक्स ऑन टैक्स का जो रिजीम है ये हटाना था अब किस तरीके से टैक्स ऑन टैक्स होता था जी से पहले उसको भी देखेंगे एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में अब मैं आपको बता दूं कि ये न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा कहीं आप लोग घबराओ कि मैम ये पूछा जाएगा ये कैलकुलेशन आपको कैलकुलेशन वर्ड बाय वर्ड नहीं समझनी आपको सिर्फ होल टॉपिक जो थीम है हमारा कि कास्ट इफेक्ट क्या होता है सिर्फ वो समझना है ठीक है चलिए सो so, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कार ठीक है ना मान लीजिए कोई ए बी सी लिमिटेड थी जो कार मैन्युफैक्चरर है ठीक है उन्होंने पाँच लाख रुपए में गाड़ी बनाई ठीक है अब पाँच लाख रुपए की गाड़ी बनाई तो मैंने क्या बोला था मैं... ये प्री जीएसटी टाइम्स है ठीक है ना जब जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था ठीक है तो अब पाँच लाख रुपए की गाड़ी बनाई उसके ऊपर उनको देनी पड़ती थी एक्साइज ड्यूटी तो दस परसेंट से एक्साइज ड्यूटी लगी तो कॉस्ट ऑफ कार क्या हो गई पाँच लाख पचास हज़ार रुपये ठीक है अब ये ए बी सी लिमिटेड बेच रहे हैं गाड़ी एक डीलर है जिनका नाम है एक्स ठीक है ना ए बी सी लिमिटेड ने डीलर एक्स को गाड़ी बेची अब इसके ऊपर भाई पाँच लाख पचास हज़ार रुपये कॉस्ट हो गई अब इसके ऊपर बारह परसेंट क्या लग रहा है वैट लग रहा है ठीक है ना भैया आप गुड्स बेच रहे हो तो गुड्स बेचने पे क्या लगता था पहले अब तो जीएसटी लगता है पहले क्या लगता था वैट लगता था तो अब बारह परसेंट से बारह परसेंट से क्या लगा क्या लगा वैट लगा किस पे पांच लाख पचास हजार पे

जो वैल्यू टैक्स शुड बी कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट भाई पांच लाख रुपए कॉस्ट थी गाड़ी की उसके ऊपर बैठ देंगे ना बारह परसेंट पांच लाख प्लस पचास हजार के ऊपर क्यों देंगे हम बारह परसेंट तो यहीं पे तो ये क्या हो रहा है दिस इज व्हाट इज है इंक्लूड फिफ्टी थाउजेंड विच वॉज पेड एज एक्साइज ड्यूटी तो ये होता है कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स चलो अभी थोड़ा सा और समझते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं चलो अब 12% परसेंट वैट दे के ये गाड़ी लिया है आए लाख सोलह हजार की अब आप देख रहे हो गाड़ी कॉस्ट क्या थी कॉस्ट थी पाँच लाख रुपए बट बिकॉज ऑफ टू टैक्सेस एक्स को एक्स जो डीलर था उसको कॉस्ट कितनी पड़ी गाड़ी की छः लाख सोलह हजार रुपये चलो ठीक है अब एक्स जो डीलर है उसने भी तो आगे एंड कस्टमर को बेचनी होगी ना गाड़ी तो अब वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा इसमें तो दस हज़ार प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा अब हो गई कार की वैल्यू छः लाख छब्बीस हज़ार रुपये छः लाख छब्बीस हज़ार रुपये अब जब एंड कस्टमर लेने आएगा ये गाड़ी वो फिर से वैट उसको देना पड़ेगा भाई गुड्स खरीद रहा है तो उसको वैट तो देना पड़ेगा ना अब फिर से मान लीजिए बारह टैक्स लगा ठीक है मतलब विच इज़ वैट लगा तो अब किस पे लग रहा है वैट वैट लगेगा इस पे लगेगा ठीक है ना तो अब आप देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे दो टैक्सेस इंक्लूडेड है इसमें पीछे वैट था इसमें पीछे एक्साइज था तो अब ये जो वैट लग रहा है इस स्टेज पे दिस इज वॉट इज टैक्स ऑन टैक्स पहले तो यहां पर टैक्स ऑन टैक्स हुआ फिर इस स्टेज में भी तो कॉस्ट कितनी बढ़ गई गाड़ी की कहाँ पांच लाख की गाड़ी थी प्रॉफिट मार्जिन जुड़ना चाहिए था फिर उसके बाद करते करते छह लाख छब्बीस हजार अभी इस पर भी बारह परसेंट टैक्स देगा ये बेचारा फाइनल कस्टमर क्यों क्योंकि वॉट वी आर डूइंग इज वी आर लिवाइंग टैक्स ऑन टैक्स दिस इज वॉट इज कास्ट इफेक्ट अब जीएसटी आने से क्या हुआ जीएसटी आने से सेम वही वाली बात भाई कॉस्ट ऑफ कार थी पांच लाख रुपए उसके ऊपर क्या लगेगा सी जी एस टी एस जी एस टी ठीक है ना पहले एक्साइज लगता था तो दस परसेंट ई चाहिए दस परसेंट ई चाहिए ठीक है पचास हजार रुपये प्लस पचास हजार रुपये गाड़ी हो गई छह लाख रुपए की आप कहोगे मैम ये तो बढ़ गई आप कह रहे थे पहले तो पचास पांच लाख पचास की पड़ रही थी अब तो छः लाख की पड़ रही है ये तो बल्कि नुकसान हो गया जीएसटी आने से नहीं ऐसा नहीं है अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से गवर्नमेंट ने ये जो कास्ट इफेक्ट है इसको एलिमिनेट किया है चलिए नाउ नाओवेन द डीलर अब ये डीलर को कॉस्ट पड़ी छः लाख रुपए नाउ नावेन द डीलर सेल्स इट टू कस्टमर तो अब अब आप ये देखो क्या है कॉस्ट क्या लगेगी पांच लाख रुपए पांच लाख रुपए क्यों पड़ी डीलर को कॉस्ट क्योंकि डीलर ने जो ये टैक्स पे किया था भाई एबीसी लिमिटेड यहाँ पे क्या था एबीसी लिमिटेड एबीसी लिमिटेड ने पांच लाख रुपए की गाड़ी बनाई उसको बेचा डीलर को डीलर एक्स को तो डीलर एक्स ने ये जो टैक्स पे किया इसका डीलर एक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा अभी बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की अभी क्या देख रहे हैं अब जब डीलर एक्स को कस्टमर को गाड़ी बेचनी है तो वो क्या छः लाख प्लस प्रॉफिट मार्जिन फिर टैक्स लगाएगा या वो दिस प्लस प्रॉफिट मार्जिन एंड टैक्स लगाएगा इट इज दिस बिकॉज अगर वो छः लाख ,00 पे प्रॉफिट मार्जिन लगाता तो तो वो सेम वाली स्टोरी हो गई बल्कि जीएसटी तो महंगा पड़ गया पहले वाले रिजीम से ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि क्या बोला जाएगा एबीसी लिमिटेड क्या बोलेगा डीलर एक्स को कि ये जो आपने मुझे टैक्स पे किया है एक लाख रुपए का मैं आपके बिहाफ पे जाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दूंगा तो आपके लिए कॉस्ट क्या हो गई आपके लिए तो पांच लाख रुपए हुई अब पांच लाख रुपए पे डीलर एक्स अपना मार्जिन जोड़ेगा जो कि पचास हजार हो गया तो कॉस्ट क्या हुई पाँच लाख पचास हजार अब इस पे जब ये एंड कस्टमर को गाड़ी बेची जाएगी तो किस पे टैक्स लगेगा पांच लाख पचास हजार रुपए पे तो आप देख लो टैक्स ऑन टैक्स थोड़ी हुआ पांच लाख जो ये वाली कॉस्ट थी और यहाँ पे पचास हजार ये क्या था डीलर्स मार्जिन तो अब जो फाइनल टैक्स लग रहा है दैट इज ऑन फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज एंड नॉट ऑन सिक्स लाख रुपीज वाई बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अब इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से वर्क करता है क्यों वर्क करता है ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बनना है तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है भाई आपने जो टैक्स पे किया वो ये था ठीक है आप टैक्स कलेक्ट भी तो कर रहे हो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट भी तो कर रहे हो जब आप एंड कस्टमर को बेच रहे हो तो आप यहाँ पे पचपन प्लस पचपन हज़ार एक लाख दस हज़ार का टैक्स कलेक्ट भी तो कर रहे हो तो अब आप देख रहे हो कितने कितना परसेंट किस चीज पे एक्चुअल इफेक्ट यहाँ पे कलेक्ट हुआ टैक्स 1.1 लाख यहाँ पे आपने पे किया था 1 लाख तो टैक्स एक्चुअली कितना एक्स्ट्रा हुआ सिर्फ दस हजार ही तो हुआ ज जीएसटी जीएसटी है सिर्फ वैल्यून पे वैल्यून सिर्फ यहाँ पे पचास हजार रुपए का हुआ था क्यों क्योंकि हमने ऑफ कर दिया टैक्स एक लाख रुपए हम दे चुके थे एक लाख दस हजार रुपए ही और एक्स्ट्रा कलेक्ट हुआ ठीक है ना तो अब गवर्नमेंट की तरफ कितनी लाइबिलिटी बनती है एक लाख मेरा ऑलरेडी पहुंच चुका है सिर्फ दस हजार रुपए जो एक्स्ट्रा था जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हुआ था उस पर जो टैक्स लगेगा मैं सिर्फ वही गवर्नमेंट को देके आऊंगी दैट इज हाउ जीएसटी सेव्स पीपल फ्रॉम कास्केडिंग इफेक्ट अगर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया कोई घबराने की बात नहीं है कोई आपसे पूछने नहीं वाला इसको वहां पर यह सिर्फ आपकी ग्रेटर क्लैरिटी के लिए मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ठीक है ना सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जीएसटी का अब आप कहोगे मैम इट हैज़ चैलेंज फिजिकल फेडरलिज्म कि भाई स्टेट के पास पावर कम हो गई है टैक्स लिवाए करने की ये सारी बातें तो है लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रही है इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई अगर कोई स्टेट है कोई स्टेट है जहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं क्योंकि जब वो स्टैब्लिश हुई थी तो गवर्नमेंट को लगा था कि भाई हम एक्चुअली इंसेंटिव्स देते हैं कि कंपनीज आके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करें सो so दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइज कलेक्ट हो भाई अब आप एक्साइज तो बंद कर दिया ठीक है और जी और लगा दिया विच इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ठीक है ना विच इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स अब मतलब उस स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जहाँ की जनता सबसे ज़्यादा कंज्यूम करेगी चीज़ें अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज जिस स्टेट की या जिस राज्य की जनता कंज्यूम करेगी उसी को जीएसटी का कलेक्शन सबसे ज़्यादा होगा क्यों भाई ये तो जी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है यहाँ पे महाराष्ट्र में मैंने क्या बताया था महाराष्ट्र में साइकिल बनी लेकिन उसको बेचा गया गुजरात में तो किसके पास जी कलेक्ट होगा इट इज़ द गुजरात गवर्नमेंट विच विल हैव द पोर्शन ऑफ जी एस टी एंड महाराष्ट्र की गवर्नमेंट विल नॉट गेट एनी थिंग क्यों क्योंकि प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स नहीं है इट इज़ अ कंजम्शन बेस्ड टैक्स तो जो स्टेट्स विच आर परफेक्ट और विच विच हैव एन एज और विच हैव मोर ऑफ मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स वो हल्ला मचा रही हैं कि भाई हमारा क्या होगा हमें तो टैक्स मिल ही नहीं रहा टैक्स तो गुजरात गवर्नमेंट के पास या जो स्टेट कंज्यूम कर रही है उसके पास जा रहा है बिगेस्ट चैलेंज ऑफ जीएसटी ठीक है चलिए सुविद्य से हमारा जीएसटी कंप्लीट हो गया अब हम चल रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बोला था आपको कि मैं आपको एक मेन्स का क्वेश्चन किस तरीके से उसको प्रोसीड करना है वो भी आपको बताने वाली हूं आज चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्स टू जी डी रेशियो कंफ्यूज नहीं होनाज टू वॉट टैक्स टू जी डी पी रेशियो इज़ आपकी कंट्री का जी है ठीक है ना उस जी में क्या होता है जी डी पी इज वॉट इट इज़ दी मॉनिटरी वैल्यू ऑफ़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है अब बहुत सारी चीज़ें जी को कॉन्ट्रीब्यूट करती है अब जी डी पी इज़ वॉट टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अब इस गुड्स में क्या होंगे इसमें एग्रीकल्चर गुड्स होंगे इसमें इंडस्ट्रियल गुड्स होंगे इसमें सर्विसेज होंगी लाइक रेस्टोरेंट सर्विसेज लाइक डॉक्टर सर्विसेज, उन सारी सर्विसेज को हम प्लस कर देते हैं तो हमारा जीडीपी आता है अब इस टोटल जीडीपी मान लीजिए जीडीपी का फिगर है टू लाख रुपीज इस टोटल जीडीपी का कितना पोर्शन टैक्स से आता है इस टोटल जीडीपी का कितना पोर्शन टैक्स से आता है इस वॉट इज टैक्स टू जीडीपी रेशियो दैट हाउ मच हाउ मच टैक्स ऑफ द कंट्री इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द जी डी पी ऑफ द कंट्री टैक्स कलेक्शन जो रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट होता है हाउ मच इज़ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द जी डी पी इस दो लाख में से कितना पोर्शन टैक्स का है इज़ वॉट इज़ टैक्स टू जी डी पी रेशियो ऑफ दी कंट्री अब ये कम होना चाहिए ज़्यादा डेफिनेटली ज़्यादा होना चाहिए क्यों क्योंकि टैक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी जी डी पी ज़्यादा होना चाहिए उससे क्या सिग्निफाई होगा कि भैया गवर्नमेंट जो है बहुत एफिशेंटली टैक्स कलेक्ट करती है हमारा जो टैक्स बेस है वो भी बहुत बढ़िया है ठीक है एंड गवर्नमेंट के पास इनफ सोर्सेज होंगे अगर टैक्सेशन के मतलब इनफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होंगे तो गवर्नमेंट को क्या नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर से या मार्केट में जाके बोरो नहीं करना पड़ेगा तो इससे क्या बचेगा इससे बचेगा क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्राउडिंग आउट इफेक्ट बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना वट इज़ क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्राउडिंग आउट इफेक्ट इज़ कि मार्केट में जितना मनी अवेलेबल है एज़ अ लोन ठीक है ना अगर उसमें से मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन गवर्नमेंट ही ले जाए क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो बोरो करने की ज़रूरत पड़ती है डैम बनाने के लिए सब्सिडी देने के लिए राइट फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी है या आप फार्मर आ, को सपोर्ट करना है सो दे नीड मनी तो जब जितना भी लोन मेजोरिटी ऑफ़ द लोन जो अवेलेबल है मार्केट में अगर उसको गवर्नमेंट ले ले तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं प्रोसेस इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट पैसा जो है वो कौन ले गई गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के पास तो बचा ही नहीं है पैसा लोन लेने के लिए और फ्लरिश करने के लिए भाई पैसा लेगी तो तभी तो नया बिजनेस स्टैब्लिश होगा तभी तो एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सपैंड होगा राइट सो दैट इज वॉट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट अगर टैक्स टू जी डी पी रेशियो अच्छा है सो द एंड इफेक्ट इज कि देर इज देर इज लेस क्राउडिंग आउट विच टेक्स प्लेस भाई क्यों गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं पड़ती बोरो करने की ठीक है अब इंडिया का अगर हम टैक्स टू जी रेशियो की बात करें तो इट इज़ समवेयर अराउंड ट्वेल्व परसेंट नाउ लेट इस कंपेयर विद द अदर कंट्रीज तो ये मैप ये देखिए ये ग्राफ देखिए आप इसको है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको कंट्रीज़ के नेम भी अच्छे से दिखने लग जाए आई होप नाउ इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू तो मैंने क्या बोला था कि इंडिया का जो टैक्स टू जी रेशियो है वो ट्वेल्व है

पाकिस्तान आपको कहो मैम पाकिस्तान नहीं है मैं पे तो पाकिस्तान हमसे ज़्यादा पीछे नहीं है कहीं आप सोचो कि मैम पाकिस्तान का छः परसेंट होगा पाकिस्तान का अगर हम बात करें तो जो हमारे काउंटर पार्ट्स माने जाते हैं समवेयर अराउंड टेन पॉइंट एट परसेंट टेन टू इलेवन और हमारा कितना है हमारा भी तो ट्वेल्व ही है मतलब ज़्यादा पीछे नहीं है वो हमसे टैक्स टू जी रेशियो के मामले में वी टॉक अबाउट अदर कंट्रीज एस्टोनिया हंगरी थर्टी फाइव मतलब आप देखो ना ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो मतलब टैक्स टू जी डी पी रेशियो इज़ इंक्रीजिंग कि भाई इन कंट्री के जो जी डी पी हैं उसमें से कितना पोर्शन टैक्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है इट इज़ समाउंड फोटी टू परसेंट थर्टी थ्री परसेंट यूके का थर्टी थ्री परसेंट भाई पर अब क्या रीजंस हैं भाई इंडिया का था सिर्फ 12 परसेंट ना वॉट आर दी रीजंस व्हाट आर दी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दी लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्यों हमारे कंट्री में जो टैक्स कलेक्शन है वो कम होता है नाउ द फैक्टर्स आर फर्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर आप कहोगे मैम इसका टैक्स से क्या लेना देना भाई मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मेजोरिटी ऑफ द जनता कहाँ काम कर रही है एग्रीकल्चरल सेक्टर में ठीक है और एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो इनकम होती है वो कहाँ क्या है वो इनकम होती है एग्जेम्ट कौन से एक्ट के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट में आई थिंक सेक्शन टेन है तो वो क्या एग्जेप्ट करता है अगर आपको एग्रीकल्चर से इनकम हो रही है तो वो टोटली totally एग्जेप्ट है हम उस पर कोई टैक्स नहीं चार्ज करेंगे तो हम अब, अब, अब हम कह रहे हैं एक साइड की मेजॉरिटी ऑफ दी जनता अगर एग्रीकल्चर में है और एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं दे रहे तो कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास टैक्स ठीक है नेक्स्ट इज लार्ज प्रेजेंस ऑफ दी इनफॉर्मल सेक्टर भाई फॉर्मल सेक्टर में तो क्या होता है सैलरी देते तो पहले टी डी एस टैक्स कटके आता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बट हमारे यहाँ पे कितनी परसेंट जनता हाउ मच परसेंट इज और हाउ मच परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज वर्किंग अंडर सेक्टर समवेयर अराउंड 93 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन अब वहाँ पे तो टैक्स टूक्स का कोई मतलब ही नहीं बनता टैक्स के ही नहीं आता तो टैक्स कैसे कलेक्ट होगा हमारे पास गवर्नमेंट तभी तो कहते हैं मैंने क्या बोला था एवरी डॉट इज़ कनेक्टेड इन इकोनमी अब इनफॉर्मल सेक्टर होना अगर है हमें क्यों उसको फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट कर देना चाहिए ना कि सिर्फ इंप्लॉयिज़ जो वहाँ के लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा या उनको लीवस मिलेंगी या फ्रेंच बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं वो तो है ही है लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है क्यों क्योंकि इससे सोर्स ऑफ रेवेन्यू इकट्ठा होगा इट विल इंक्रीज़ दी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दी गवर्नमेंट राइट नेक्स्ट इज लो पर कैपिटल इनकम भाई इनकम ही कम है हमारे देश में तो हम टैक्स लैब में मेजॉरिटी मेजोरिटी ऑफ दी लोग टैक्स लैब में ही नहीं आते ठीक है तो टैक्स लैब में नहीं हो तो टैक्स कैसे कलेक्ट होगा नेक्स्ट इज टैक्स एग्जैम्शन लाइक रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स अभी कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकॉनमी इन ऑर्डर टू मेक कंट्री सेल्फ रिलायंट इन मैनुफैक्चरिंग सेक्टर क्या करा गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश कर दिया स्टार्टअप को कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं टैक्स हॉलीडेज मिलती है कि भाई हम टैक्स नहीं लेंगे शुरू के पाँच साल आपसे तो इतनी जगह क्या कर रही है गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को जाने दे रही है रेवेन्यू रेवेन्यू इज फॉर गॉन वैन सीन फ्रॉम दी फ्रॉम दी आईज़ ऑफ दी गवर्नमेंट तो उससे क्या होगा भाई टैक्स नहीं आ रहा तो टैक्स टू जी डी पी रेशो होगा एंड लास्ट इज अनरिजॉल्व टैक्स डिस्प्यूट्स अब बहुत बार क्या होता है कि जब टैक्स फाइलिंग होती है तो हमने जितनी फाइल करी तो टैक्स ऑफिसर कहते हैं कि नहीं भाई ये इतना नहीं आपकी लाइबिलिटी तो इतनी होनी चाहिए ठीक है अब फिर क्या होता है तब होता है कोर्ट पर केस ठीक है ना कोर्ट में केस आपको पता है जल्दी रिजॉल्व नहीं होता वहां पे तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख चलती है तो क्या होता है अनरिजोल्ड टैक्स डिस्प्यूट्स जो टैक्स डिस्प्यूट्स हैं वो अनरिजोल्व रह जाते हैं लंबे समय तक ठीक है ना अब वो जब तक केस अटका हुआ है तब तक ऐसे थोड़ी कि टैक्स आप भर दोगे नहीं भरोगे क्यों क्योंकि आप तो अग्री नहीं कर रहे हो कि मुझे टैक्स देना चाहिए या इस परसेंट से देना चाहिए दैट इज वेयर दैट इज वेयर अनरिजोल्व टैक्स डिस्प्यूट्स अनरिजॉल्व एंड प्रोलोंग्ड tax tax distributes also contributes to the low tax to gdp ratio of the country theek hai and in the end ab hum baat karenge question pe ab question sabse pehle discuss karne se ek baat bata du you have to write the answer of this question और आप लोगों को मुझे submit करना है कहाँ submit करना है आप लोगों को मुझको submit करना है इकोनॉमिक्स इकनॉमिक्स की पे मैं आपके साथ जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी लिंक शेयर कर दूंगी वहाँ पे आपको मुझे आंसर अपलोड करके देना है अगर अगर इच्छा रखते हो कि मैं आंसर को पर्सनली इवेल्यूट करके उस पर आपको फीडबैक दूँ टाइमलाइन क्या है आज रात आपको साढ़े दस बजे तक मुझे आंसर्स दे रहे हैं साढ़े दस बजे के बाद अगर आप मुझे आंसर लिख के दे रहे हो देन इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू प्रोवाइड दी फीडबैक ऑन दैट आंसर ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं मेंस में इंडियाज टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज लो व्हेन कंपेयर्ड विद इट्स काउंटर पार्ट्स जब अपने काउंटर पार्ट से कंपेयर करता है इंडिया तो उसका टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है वो लो है एक्सप्लेन दी फैक्टर्स बिहाइंड इट एंड वॉट कैन बी डन टू इम्प्रूव दी सिचुएशन अब आप अगर देखोगे और सबसे बड़ी बात दस मार्क दस मार्क मतलब आपकी वर्ड लिमिट जो है 150 वर्ड्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए ना हाउ डू यू डिवाइड दिस 150 फिफ्टी वर्ड्स थर्टी थर्टी फाइव वर्ड्स शुड फॉर्म योर इंट्रोडक्शन सिक्सटी टू सेवेंटी वर्ड्स शुड फॉर्म योर बॉडी एंड अगेन थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स शुड बी योर कंक्लूजन अब आप कहोगे मैम इतनी सारी चीजें अच्छा इतनी सारी अभी तो आपको समझ ही नहीं आया क्वेश्चन हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी हैं आपको एक्सप्लेन करने को समझाने को आपको तीन चीजों पर प्रकाश डालना है जब आप आंसर लिख रहे हो वो तीन चीजें क्या है इंडिया टैक्स टू जी डी पी रेशियो इज़ लो वो कह रहे हैं हमें बताओ भाई कोई फिगर दो हमको कैसे आप बताओगे कि हाँ मैम हम जानते मतलब एग्जामिनर हम जानते हैं कि इंडिया टैक्स टू जी डी पी रेशियो इज़ लो यहाँ पे आप लिखोगे कि येस इंडिया टैक्स दिस इज़ वॉट योर वॉट योर इंट्रोडक्शन विल फॉर्म कि भई इंडिया का टैक्स टू जी डी पी रेशियो इज़ ट्वेल्व परसेंट वेन कंपेयर विद इट्स काउंटर पार्ट तो आप उनके एक दो के नंबर लिख के दोगे नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है explain the factors behind it demand 2 of the question is this d2 and d3 is what can be done what can be done to improve the situation forms the d3 तो अब ये सारी चीजें आपको 150 वर्ड में समेटनी है तो अब आप क्या करोगे इसका सॉल्यूशन कि explain the factors behind it. तो आपने फैक्टर्स लिखा और पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखे आपने लिखा ऐसे बना के ठीक है वॉट कैन बी डन टू इंप्रूव इट वहां पे आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हो बट इन एनी केस आपका जो आंसर है डेढ़ सो डेढ़ सो मैक्स टू मैक्स वन सिक्सटी फाइव वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए तो तीन क्वेश्चन इस तरीके से ब्रेक करके पढ़ना है क्वेश्चन को आप इस लाइन को तो ऐसे समझते हो फ्री में दी हुई है कि भाई बताया हुआ है इंडिया टू जी डी पी रेशियो इज लो वेन कंपेयर टू इट्स काउंटर पार्ट आप लोग क्या करते हो आप लोग अपने दिमाग में क्वेश्चन स्टार्ट करते हो यहां से यहां से आप लोग क्या करते एक्सप्लेन करते यहां से आप सीधा लिखते फैक्टर्स व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट एंड व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव इट नहीं भाई आपको इस स्टेटमेंट को भी सब्सटैंशिएट करना है ट इज वेयर आपका आंसर जो है बिल्कुल कंप्लीट लगेगा और आंसर अगर अगेन आई एम सेइंग आंसर अगर मुझसे इवेल्यूएट कराना चाहते हो मैं रिमार्क्स उसके रिमार्क थर्टी टूडे वॉट इज डेट वॉट इज द डेट टूडे ट्वेंटी सिक्स ऑफ ऑगस्ट इज डे रात दस बजे से पहले आंसर मुझे टेलीग्राम पे लिंक शेयर करूंगी वहां आ जाना चाहिए ठीक है नाउ बहुत सारे बच्चे मुझसे जब ये जो जी फाउंडेशन बैच में पूछते हैं कि भाई मैम सिर्फ हमें प्रिलम्स टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी कि नहीं क्योंकि अब ये राइट टाइम है आप लोग कोर्स साथ साथ करते जा रहे हो जो मैंने एक फुल प्रूफ सक्सेस स्ट्रैटजी का जो वीडियो शेयर किया था यूट्यूब पे उस पर भी बोला था कि आपको एन स्टार्ट करनी है एंड ट्राई गिविंग यूनिट टेस्ट बोला था वहाँ पर मैंने आपको कि अपने आप को बीच बीच में इवेल्यूएट करो यूनिट टेस्ट से ठीक है तो अगर आप देखोगे स्टडी आई क्यू जस्ट प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज लेके आया है फॉर स्टूडेंट्स जिसमें जिसमें एट एन सी आर टी बेस्ड टेस्ट है सिर्फ एन सी आर टी की नॉलेज के बेस पे आपको टेस्ट किया जाएगा थर्टी फोर जी एस टेस्ट है जो हमारे जीएस के फुल लेंथ टेस्ट है थर्टी फोर जी एस टेस्ट है सिक्स सी सा टेस्ट है एंड टू बोनस करंट अफेयर टेस्ट है आप जब ये टेस्ट दोगे तो आपको आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग लीडर बोर्ड मतलब आपको पता चलेगा वे डू यू स्टैंड वेन कंपेयर विद द अदर स्टूडेंट्स राइट एंड द टेस्ट डिस्कशन येस हर टेस्ट का हर टेस्ट का टेस्ट डिस्कशन हुआ करेगा वीडियो शेयर हुआ करेगा आपके साथ किन के साथ जो बच्चे एनरोल कराएंगे प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज के लिए कि भाई किस तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाना चाहिए था ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वहीं पे शेयर करी जाएंगी एंड इफ यू टॉक अबाउट दी कॉस्ट इट इज़ जस्ट थ्री फोर डबल नाइन एंड आपको कोड कोड क्या यूज़ करना है वैसे तो टेस्ट सीरीज़ है फाइव थाउजेंड की बट इफ़ यू यूज़ दी कोड टेस्ट if you use the code test then 3499 is the cost कॉस्ट मुझसे जुड़े रहने के लिए आपको कहाँ आना है Obviously, Instagram and Telegram टेलीग्राम so, तो is इज़ नानकी अंडर स्कोर बी ट्वेंटी टू टेलीग्राम जहाँ आप आंसर शेयर करोगे नोट कर सकते हैं इट इज़ इकॉनमिक्स विद नानकी आई होप आई आई रिसीव मैक्मम ऑफ आंसर्स फ्राम यू टूडे ठीक है ना एंड विद इन द ड्यू टाइम तो चलिए मिलेंगे फिर से कल एक नए चैप्टर एक नए टॉपिक के साथ टिल देन स्टे टून एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल